तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। कहाँ जा रही हो? जिसने तुम्हारे भाई के मुंह पर काली पोत दी, उस बहन से मिलने जा रही हो? जाओ, लेकिन वापसी पे इस घर के दरवाजे हमेशा बंद पाओगे। उसको मार देना। वाह वाह वाह, इसे कहते हैं घर। इस घर के सामने ये घर, इसे कहते हैं खुली आंख में मसाला डालना। आसराज और मेरी सीमा भाभी यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? समझ गया। अरे ये कैसे पड़ोसी हैं जो ये देखने भी नहीं आए कि इस घर में रहने कौन आया है? हाँ। लेकिन हम भी ऐसे पड़ोसी की परवाह नहीं करेंगे। हाँ। अरे ऐसे पड़ोसी की परवाह करता कौन है? और नहीं तो क्या? भाभी आपकी आंखों से गंगा जमुना क्यों बह रही है? ये तो खुशी के आंसू हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि आज की तारीख में हमारी बेगम साहिबा अपनी भाई की जेल से रिहा हो गई। वर्मा, मेरे समझ में नहीं आता कि सरकार ने तुझे वकालत की डिग्री कैसे दी। रिश्वत दे के ली क्या? बुड्ढा हो गया तू, अब तेरा दिमाग काम नहीं करता। अरे जब तेरा बेटा करण के बहन से शादी करके उसे अपने घर पे लाया, उसे घर के बाहर क्यों निकाला? उसे अपने घर में रखता, टॉर्चर कर करके उसका जीना हराम कर देता। अब तू वकालत करने के काबिल नहीं है वर्मा। अरे तूने मेरी वकालत अभी तक कहां देखी है काबरा? शीला, ओ शीला, जी ये शीला है, करण की बहनों को डांस सिखाती है। अगर आप भी हमारा डांस कंपटीशन देखने आते तो कितना मजा आता। जरूर आता बेटे, लेकिन क्या करूं, मिल में नई मशीन आने वाली है, मेरा वहां रहना बहुत जरूरी है। शीला जी करो, इनका ख्याल रखना, पहली बार अकेली बाहर जा रही है। इन लोगों के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये भाव, इन लोग का फिक्र करने के लिए ये राम भाव है ना, आप फकत अपना धंधे पर ध्यान दियो बस। चलो बैठो। नमस्ते। मैं आगे बैठूंगी। हाँ बस बस, तू आगे बैठ, तू खिड़की पर बैठ। बाय बाय। बंद कर। हाँ चले। संभालना। चला चला। बाय। चला भारिया, डोलकर 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 दरियाचा राजा, वल्लर रखवा हो रामा। मैं हारमोनियम तो घर पे भूल आई। राम भाव काय, आप जाकर ले आइए ना। हे भाई, मेरे को ऑर्डर बीडर नहीं देने का, ये राम भाव खाली साहब का ऑर्डर सुनता है। इन लोग को छोड़ के मैं किधर को पर नहीं जाएगा। क्यों, इधर क्या कोई हमें खा जाएगा? टीचर है ना हमारे साथ, तुम जाकर हारमोनियम लेकर आओ। मैं किधर को पर नहीं जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि हमारा डांस खराब हो जाए, हमारी बेइज्जती हो जाए? बेबी ऐसा नहीं बोलने का, ये तुम लोग का बेइज्जती से तो राम भाव का बेइज्जती ज्यादा अच्छा है। अच्छा तो फिर जल्दी जाओ ना प्लीज। तो जाता है ना, नहीं जाएगा तो तुम लोग का डांट सुनो, जाएगा तो साफ वाट लगाएगा। जाता है मैं, जाता है ये। चलो भाव।
चार जने। हाँ अच्छा ठीक है, आप लोग चलो मैं आती हूँ। काम सब प्लान के मुताबिक हो रहा है? जी, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो अभी आती होगी। ओके। सुनिए गर्ल्स, शो का वक्त हो रहा है और इस रूम में एक ही बाथरूम है, इसलिए मैंने 3 चाबियां और ले ली हैं। आप लोग अलग अलग रूम में तैयार हो जाइए। ठीक है, चलो मैं तुम लोगों को रूम दिखा दूं। आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं नीचे इंतजार कर रही हूँ। ओके। कहाँ जा रही थी मेरी बेटियों को? इन लोगों का डांस कंपटीशन है। मैं जानता हूँ कौन सा घिनौना खेल खेलने जा रही थी तू। मेरी बेटियों की इज्जत का सौदा करने जा रही थी तू। डैडी ये क्या कर रहे हैं आप? क्या मतलब है, मार क्यों रहे थे आप इनको? डैडी आप एक शरीफ औरत को कैसे मार सकते हैं? खामोश। मैं अच्छी तरह जानता हूँ किस कसम की शरीफ औरत है, बता किन लोगों से मिली हुई तू। बोल बोल। चलो जल्दी करो, चलो। कहाँ ले जा रही थी मेरी बेटियों को? ए मिस्टर, ये क्या हो रहा है, कौन है आप? मैं कौन हूँ? यहाँ क्या हो रहा है वो आज मेरी बेटियां भी देख लेंगी। चलो मेरे साथ, चलो चलो। यहाँ कोई नहीं है साहब, यहाँ कोई नहीं है साहब, यहाँ कोई नहीं है, देखिए कहीं भी नहीं। भगा दिया लोगों को, भगा दिया। मैं सब भगा दिया साहब, यहाँ कोई नहीं है, कहाँ भगा दिया? यहाँ कोई भी नहीं है सर। क्या बात है इंस्पेक्टर? मैं बताती हूँ भैया, डैडी ने तो हमें बदनाम कर दिया। कैसी बात करी बेटी, अगर मैं वहाँ सही वक्त पे नहीं पहुँचता तो? अगर आप नहीं आते तो बहुत अच्छा होता, आज आपकी वजह से हमें पुलिस स्टेशन का मुंह देखना पड़ा। भैया डैडी कह रहे थे टीचर हमें डांस कॉम्पिटिशन के लिए नहीं, हमारी इज्जत का सौदा करने के लिए लेके जा रही थी। देखिए ना करण साहब, कितना गंदा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर, मुझे तो सुनते हुए भी शर्म आ रही है। ये बदजात झूठ बोल रही है, मेरे यकीन करो। आप पे यकीन करो, आप पे यकीन करो। 15 साल पहले भी तो आप पे यकीन किया था, क्या हुआ? आप तो छोड़कर चले गए और आप ही की वजह से हमें हमारी मां को भी खोना पड़ा। दोबारा आप पर यकीन किया तो शायद मुझसे मेरी बहनों का भी साथ छूट जाए। नहीं, लीजिए सर, चलो। बेटा नहीं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आप लोगों को यह कहने के लिए यहां बुलाया हूं कि इस मोहल्ले में बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। अरे कैसा अनर्थ हो गया भाई? क्या बताऊं, मेरी मुंह बोली बहन पर ऐसी बिजली गिरी कि इसकी खुशियां जलकर राख हो गई है। अरे लेकिन हुआ क्या है? अब क्या होने को बाकी है, सिर्फ 7 महीने बाकी है। क्या सारा मोहल्ला इसे बेटी कहता है ना? हाँ, मगर ये बेटी बेटी नहीं रही है, माँ बनने वाली है ये। क्या आप लोग उस शैतान को माफ कर सकते हैं जिसे फूल जैसी बच्ची की गोद में शादी से पहले गोभी का फूल डाल के ऐसा गायब हो गया है जैसे मार्केट से प्याज गायब हो जाती है? अरे वो कौन था आदमी जिसने इसके साथ इतना बुरा सलूक किया है? अरे मैं उसका नाम लूंगा ना तो आप लोग मुझे मारने दौड़ेंगे। वो इंसान के नाम पे कलंक है, इंसान की खाल में छुपा हुआ भेड़िया कोई और नहीं, करण है करण। उसकी बहनों को छेड़ता है ना तो उसकी आंखें फोड़ देता है। उसकी बहनों की इज्जत इज्जत है, हमारी बहनों की इज्जत इज्जत नहीं है। ऐसे बैठे रस्ते पर, अरे आप नहीं जानते कि वो कितना बड़ा लोफर है। इस बच्ची को
मिलने के लिए अपनी मिल में बुलाया करता था और ये जाती रही। इसे क्या मालूम कि ऐसा होने वाला है? तुम्हें पूरा यकीन है ये करण ने किया है? ये कौन है घनचक्कर यार जो खामखा बहस कर रहा है यार यूं? अरे इससे आगे खुद ही पूछ लो। हाँ भैया सच कह रहे हैं, मैं करण के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे बारे में और कुछ कहना बाकी है? मोटरसाइकिल नहीं लाए? मोटरसाइकिल की आवाज नहीं आई ना? अब सिर्फ हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई देगी तुम्हें। ए कहां जा रही हो? पताल मैं बेकसूर हूँ, मैं तो शहर छोड़ के जा रहा था, इससे मुझे फंसाया। अरे पूजा तुझे कैसा आइडिया सूझा एक शरीफ आदमी को बदला करने का? बेशरम। बेशरम मैं नहीं हूँ, बेशरम तुम हो। इसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं ऐसी लड़की हूँ। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। मैं तो कल के ट्रेन की टिकट लेने जा रहा था। मैं आज ही कटवा देता हूँ ऊपर की। नहीं मैं निर्दोष हूँ, खरगोश हूँ। खरगोश का शिकार मत करो, शेर मारो, शेर मारो, शेर मारो।